दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रपरी सिंह। आ गया हूं आज एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको रेनगन इरिगेशन सिस्टम किसी फसल में नहीं फिश फार्म में यूज करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं ना रेनगन चल रही है, इस रेनगन को हमने फिश फार्म में लगा रखा है। फिश फार्म में किस लिए लगा रखा है? एरेशन के लिए। एरेटर फिश फार्म में यूज करने के लिए बड़े महंगे मिलते हैं, उसके कंपेरिजन में अगर हम रेनगन को यूज करेंगे बड़ी सस्ती पड़ेगी और इसका असर बड़ा जबरदस्त है। अभी रेनगन चलाएंगे, रेनगन का पानी जो चलेगा, जैसे ही वो फिश फार्म में गिरेगा, तालाब में गिरेगा, उससे ऑक्सीजन का संचार होगा, तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। फिश फार्म में रेनगन इसलिए लगानी चाहिए, एक तो जो फिशेस हैं उनकी स्ट्रेस खत्म होगी, दूसरा जो फिशेस होंगी वो हेल्दी पैदा होंगी और उनकी प्रोडक्शन अच्छी निकलेगी। रेनगन को आपने एक बार लगा देना है, मोटर ऑन करनी है, रेनगन में ठक पानी देना शुरू कर देना, जैसा कि आप चलती हुई अभी देख रहे हैं। दोस्तों जो अपना पानी फिश फार्म में खड़ा रहता है, इसका ऑक्सीजन का लेवल है 5 mg पर लीटर। अगर हम लोग रेनगन यूज करेंगे तो इसका आप लेवल कर सकते हो 6 से 9 mg पर लीटर। रेनगन का बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। इस रेनगन को लगवाने के लिए मेरा नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा रेनगन लगाने का कितना खर्चा आएगा। आप अपने एरिया को नाप के कितने बाय कितने का आपका प्लॉट है फिश फार्म का मुझे बताइए, उसका टोटल खर्चा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी हम लोग नई नई वीडियो एग्रीकल्चर के ऊपर लेके आते हैं जो कि फार्मरों को बड़ी ही मदद करती है एग्रीकल्चर में।